हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं विकास लाइफ शेयर के बारे। इसका पूरा नाम है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। आज हम लोग विकास लाइफ केयर लिमिटेड के बारे बात करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड। और हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं वो भी देख लीजिए। आज हम लोग विकास लाइफ केयर शेयर के जानने वाले हैं रिटर्न्स, शेयर होल्डिंग्स, टारगेट एंड स्टॉप लॉस और फंडामेंटल्स। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इस टाइप की वीडियो बनाते रहता हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए डायरेक्ट चलते हम लोग टॉपिक्स पर और स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, ठीक है फ्रेंड। तो आ चुके हैं फ्रेंड हम लोग विकास लाइफ केयर के रिटर्न्स पे, ठीक है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसका रिटर्न्स, देखिए एक वीक में देखिए 32% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है, एक मंथ में सेम है 32% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है, थ्री मंथ में भी सेम है 32% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है, सिक्स मंथ में 1% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न है, वन ईयर में 19% का नेगेटिव रिटर्न है, टू ईयर में 14% का पॉजिटिव रिटर्न है और थ्री ईयर में 68% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न है और फाइव ईयर का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम लोग इसका रिटर्न देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे इसका प्रमोटर होल्डिंग। अब इसके शेयर की बात करें फ्रेंड कि ये किस किस के पास है, तो देखिए एफआईआई के पास जो है 0.02% की होल्डिंग है, ठीक है। और पब्लिक के पास देखिए 88.59% की होल्डिंग है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रमोटर के पास 11.4% की होल्डिंग है। बस तीन आदमी की तीन के पास ही इसका शेयर है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे और चार्ट पे चल के जानेंगे इसका टारगेट और स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। तो आ चुके हैं फ्रेंड हम लोग विकास लाइफ के चार्ट पे। अब हम लोग डे कैंडल सेट करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए मैं डे कैंडल लेता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए वीकली या मंथली कैंडल लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए शॉर्ट टर्म में इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 4.25 रुपये का। कल को इसने हाई लगाया था 4.10 रुपये का, ठीक है। और एनएससी पे मार्केट क्लोज़ किया है 4.05 रुपये पे। इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 4.25 रुपये का, सेकंड जो होगा वो होगा 4.50 रुपये का और थर्ड जो होगा वो होगा 4.80 रुपये का, ठीक है फ्रेंड। और स्टॉप लॉस की बात करें तो इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा 3.80 रुपये का, इसका सेकेंड स्टॉप लॉस होगा 3.60 रुपये का और इसका थर्ड स्टॉप लॉस होगा 3.30 रुपये का, ठीक है फ्रेंड। मैं एक्चुअली वीडियो कल ही बनाने वाला था बट नहीं बना पाया, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। ये 11% का रिटर्न दिया हुआ था 14 अगस्त को, 15 तो मार्केट क्लोजिंग था, ठीक है फ्रेंड। तो मैं नहीं बना पाया, आज मैं कर रहा हूँ तब तक देखिए मार्केट 17% भाग चुका है विकास लाइफ केयर का। तो अब हम लोग देखते हैं इसका वीकली कैंडल, ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म पे अब हम लोग एनालाइज करेंगे इसका। लॉन्ग टर्म पे देखिए इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 5.35 रुपये का, ठीक है। सेकंड जो इसका टारगेट होगा वो होगा 7.05 रुपये का और थर्ड जो इसका टारगेट होगा वो होगा 9.65 रुपये का, ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग बात करते हैं इसके स्टॉप लॉस की, तो इसका फर्स्ट जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 3.85 रुपये का, सेकंड जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो होगा 2.75 रुपये का, ठीक है फ्रेंड। तो हमने अभी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पे इसका टारगेट और स्टॉप लॉस को जाना, अब हम लोग चलते हैं ओवरव्यू पे, मतलब फंडामेंटल्स पे। अब हम लोग फंडामेंटल्स पे ओवरव्यू देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे और इवेंट्स वगैरह देखेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो आ चुके हैं फ्रेंड हम लोग फंडामेंटल्स पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग फंडामेंटल्स पे हैं और यहाँ पे इसका पूरा नाम है, साथ में ये कौन से कैटेगरी में आता है शेयर वो भी दिया हुआ है। ये स्मॉल कैप का शेयर है, ठीक है, मतलब ये एक पैनी स्टॉक है। अब हम लोग देखते हैं तो मंथली रिटर्न की बात करें, देखिए 32.79%, ये मैंने आपको पहले ही दिखा चुका है। ईयरली रिटर्न देखिए 19% का है, नेगेटिव रिटर्न है वो भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ।
बाउन वीक हाई की बात करें 5 रुपये 45 पैसा है, बाउन वीक लो की बात करें 2 रुपये 70 पैसा है, मार्केट कैप की बात करें 498 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, शेयर होल्डर्स की बात करें 4.51 लाख इसका शेयर होल्डर्स है। ठीक है, फिर हमने ओवरव्यू पे इतना कुछ देखा, अब हम लोग देखेंगे इसका इवेंट्स। इवेंट की बात करें फ्रेंड तो 14 अगस्त को इसका इवेंट जो अनाउंसमेंट हुआ था जो है आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक बार न्यूज़ पे। न्यूज़ की बात करें फ्रेंड तो इस शेयर पे कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है, तो इस शेयर पे हम लोग किसी भी न्यूज़ का बात नहीं करेंगे। आशा करता हूँ फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।